प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 8 फरवरी से स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत की जाएगी। उज्जैन में 8 फरवरी और खजुराहो में 20 फरवरी से शुरू होने वाला स्काई डाइविंग फेस्टिवल एक बार फिर रोमांच और मनोरंजन की सौगात पेश करेगा। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि स्काई डाइविंग फेस्टिवल के प्रथम एवं द्वितीय संस्करण की सफलता व एडवेंचर गतिविधि के प्रति पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए इस वर्ष उज्जैन में तृतीय संस्करण एवं खजुराहो में प्रथम संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन में दताना एयर स्ट्रिप पर 8 से 17 फरवरी तक और खजुराहो में 20 से 25 फरवरी तक एडवेंचर लवर्स आसमान में उड़ने की रोमांच का अनुभव कर पाएंगे। स्काई डाइविंग करने का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक है। बुकिंग www.skyhighindia.com पर की जा सकती है। म्यूजिक के टैग जिनके पास यूनेस्को के हैं उस क्लब में ग्वालियर शामिल हो गया और उसी को हमने सेलिब्रेट करने के लिए तानसेन समारोह को विशेष यादगार समारोह बनाया और अगले वर्ष भी जो हमारा 100वां संस्करण होगा वो तो बिल्कुल ही और भी अद्भुत होने वाला है। तो उसी तर्ज पे खजुराहो नृत्य समारोह का 50वां संस्करण एक विशेष और स्मरणीय कार्यक्रम होने वाला है। खजुराहो को विश्व पटल पर अंकित करने के लिए पहले से जो प्रयास किए गए उन्हीं में बढ़ावा देते हुए और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो पहले से ही है, हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार खजुराहो को वापस पुनर्स्थापित जो उसकी पहले की गरिमा थी उसके हिसाब से करने का प्रयास कर रहे हैं और ये स्काई डाइविंग फेस्टिवल उसमें एक नया आयाम जोड़ेगा। तो आपके माध्यम से हमारा ये अनुरोध है कि सभी हमारे युवा वर्गों को ये बात पहुंचे और आने वाले समय में ये जो स्काई डाइविंग फेस्टिवल करते हैं ये फेस्टिवल ला करके परमानेंट बेसिस पे प्रदेश में स्थापित हो और पूरे वर्ष भर चलने वाली एक गतिविधि के रूप में एडवेंचर की एक प्रमुख गतिविधि के रूप में स्थापित हो इसके लिए भी हम पृथक से प्रयास कर रहे हैं। परंतु